मकर संक्रांति के मौके पर हर साल बिहार में होने वाले दही चूड़ा भोज की राजनीति पर इस बार कोरोना का ग्रहण लग गया है। सियासी गलियारे में इसे सियासी रिश्तों में गर्माहट लाने का कड़ाके की ठंडी में एक जरिया माना जाता है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी समेत सभी छोटे बड़े दलों के नेताओं के बीच आपसी मुलाकात इसी बहाने होती है। इस सियासी दही चूड़ा के भोज में कई दलों में मिठास घुलती है तो कई दलों में आलू दम के स्वाद वाला तीखापन भी तय हो जाता है। लेकिन करीब 3 दशक बाद पहली बार इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। दही चूड़ा भोज नहीं होने से इन नेताओं की मेल मुलाकात और आपसी करवाहट को कम करने का जरिया भी इस बार दूर रहने वाला है। ऐसे में बिहार हर साल होने वाले मकर संक्रांति भोज की वो रौनक जरूर मिस करेगा। इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं पिछले कई सालों से होने वाले सियासी दही चूड़ा की उन खट्टी मीठी यादों के सफर पर। आखिर कैसे इस दही चूड़ा भोज ने कभी लालू नीतीश को भी एक साथ ला दिया था। तारीख 14 जनवरी 2017, स्थान पटना में लालू यादव का आवास। बिहार में तब महागठबंधन की सरकार थी मगर राजद और जेडीयू में तनातनी भी। माना जा रहा था कि लालू के दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार आने से परहेज कर सकते हैं, मगर नीतीश आए और राबड़ी देवी ने अच्छी खातिरदारी भी की, खुद दही चूड़ा और तिलकुट परोस कर उन्हें खिलाया। लालू ने नीतीश को दही का टीका लगाया और मीडिया को बताया कि भाजपा के जादू टोने का अब असर नहीं होगा। तारीख 12 जनवरी 2018, स्थान रांची हाईकोर्ट। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया तो उन्होंने गुहार लगाई, हुजूर जमानत नहीं दीजिएगा तो दही चूड़ा भोज कैसे देंगे, हजारों लोग आते हैं, हम नहीं रहेंगे तो बेइज्जती होगी। जज शिवपाल सिंह का जवाब था, चिंता मत कीजिए, हम लोग यही दही चूड़ा खाएंगे। लालू प्रसाद की हाजिर जवाबी देखिए, बोले नहीं हुजूर, मेरे साथ भोज खाने पर लोग आपको भी बदनाम कर देंगे। मकर संक्रांति के आसपास दही चूड़ा भोज के दौरान बिहार के सियासी गलियारे में इस तरह के उदाहरण हर साल निकल आते हैं। करीब 2 हफ्ते तक सियासत के दोनों खेमों में दावतों का दौर चलता है, भीड़ भी खूब होती है। कोई गया के टिकारी से गुड़ तिलकुट मंगाता है तो कोई गंगा के दियारा इलाके से दही। भागलपुर के कतरनी चावल से बनाए गए चूड़ा की चर्चा भी छाई रहती है। अखबार और टीवी चैनलों में भी ये खबरें बनने लगती है कि किसके यहाँ कब भोज है, राजद खेमे के भोज में क्या है और जेडीयू खेमे में क्या है, भाजपा ने कैसी तैयारी कर रखी है, कांग्रेस की ओर से भोज का खर्चा कौन उठा रहा है, लालू प्रसाद के न्योते को नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे या नहीं, सुशील मोदी का क्या स्टैंड होगा, राबड़ी देवी के बुलावे पर भी जाएंगे या नहीं, किसके आवास में कितनी भीड़ होगी जैसे दावे ब्रेकिंग न्यूज बन जाते हैं। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं को भी इस पल का बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि दावत के दौरान वैसे दरवाजे भी खुल जाते हैं जो सामान्य दिनों में सिर्फ मंत्री, विधायकों और अति वीआईपीओं के लिए ही खुली रहती है। दावत के दौरान बड़े नेताओं के आवासों में प्रवेश के लिए आम लोगों को भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। यही वह मौका होता है जब अदना कार्यकर्ता भी सख्त और अनुशासन के नाम पर रिजर्व रहने वाले अपने आलाकमान से सहज तरीके से मिलना जुलना हो जाता है। लालू यादव ने की थी दही चूड़ा भोज की शुरुआत। बिहार में वैसे तो दही चूड़ा भोज के पर्याय जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह को माना जाता है, लेकिन सबसे पहले इस भोज की शुरुआत लालू प्रसाद ने 1994-95 में की थी, तब वह मुख्यमंत्री थे। उसी साल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए। लालू ने आम लोगों तक पैट बढ़ाने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इसकी मीडिया में खूब चर्चा हुई और उत्साहित लालू यादव ने इसकी एक परंपरा ही बना डाली। तब से पटना में संक्रांति पर हर साल 2 दिन का आयोजन होने लगा, एक दिन नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, अगले दिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए।
मुख्यमंत्री आवास से सटे झुग्गियों के लोगों को लालू प्रेम से बुलाते और खुद से परोस कर खिलाते। बाद में लालू की परंपरा को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपनाया, परंतु इन्होंने इसे पत्रकारों तक सीमित रखा। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस परंपरा को आगे दिल्ली तक पहुंचाया। उसके बाद तो रामविलास पासवान समेत कई लोगों ने इसे अपनाया। बहरहाल बिहार में इस बार ऐसे सियासी आयोजन अतीत की यादों के सहारे ही गुजरने वाले हैं। कोरोना के खतरे ने राजनीतिक और सामाजिक मिलन की एक अच्छी परंपरा पर ब्रेक लगा दिया है, जिसके कारण दोस्तों दुश्मनों के बीच का फासला मिटाने वाले इस भोज का आयोजन इस बार नहीं होने जा रहा। इसलिए इसकी यादें हर बार से ज्यादा इस बार खूब आएंगी। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।